हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्शना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए यहां पर आपके जो है रीजनिंग के सेट वन को करने वाले हैं, जो कि आपका जो है बहुत समय से नहीं हो पाया था, तो इसे हम लोग जो एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग भी जो अपना एग्ज़ाम की तैयारी जो है अच्छी तरह से करते रहिए और रिविज़न करते रहिए। तो यहाँ पर जो रीजनिंग का हम सेट वन लेकर आए हैं, तो इसे हम लोग बिना समय गंवाए जो है स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को समझ कर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं सचिन तेंदुलकर दिया हुआ है, क्रिकेट से संबंधित है। तो रोजर फेडरर क्या है? तो रोजर फेडरर जो आपके वो लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, 126 का सही हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पर जो कुछ वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर जो है टीसी दिया हुआ है, इसका जो है ईवी के साथ जोड़ा गया है, और जो एनएस है इसका क्या होगा पूछ रहा है। तो हम जानते हैं टी में प्लस टू करने पर आपका भी आ जाएगा, और सी में जो हम प्लस टू करते जाए यानी कि सी डी ई, यानी कि प्लस टू करें सी डी ई, तो यहाँ पे आ रहा है। तो हम एन में यहाँ पे प्लस टू करेंगे या तो आपका पी आ जाएगा, और एस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू पी। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, यहाँ पर डी आर दिया हुआ है के के, और एल एन जो है वह क्या होगा। तो यहाँ पर जो देखिए ऐसे डी और यहाँ आर ले लेते हैं, और यहाँ के और यहाँ भी के, ठीक है। तो डी आर के कैसे हुआ हमारा, डी में जो हम प्लस सेवन कर रहे हैं तो के आ रहा है, और यहाँ पे माइनस सेवन कर रहे हैं आर में तो के आ रहा है। तो उसी तरह जो एल एन दिया हुआ है, तो एल एन को हम लिखते हैं और एल में भी प्लस सेवन करते हैं, तो आपका जो क्या आएगा, और माइनस सेवन करेंगे तो क्या आएगा उसे आप लोग कीजिए। तो देखेंगे कि एक एस आएगा और एक जो है जी आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 128 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर बोल रहा है विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर धनराज पिल्लई, पंकज अडवाणी, ध्यानचंद और सरदार सिंह का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है कि ये सभी जो है वो हॉकी के खिलाड़ी हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पंकज अडवाणी है, यह जो है हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पर हमने जो क्या हुआ कि वो ये क्वेश्चन छूट गया, यहाँ पर 500 यहाँ पे दिया हुआ, सिक्स क्या होगा। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि हम फाइव का जब स्क्वायर करते हैं, सॉरी फाइव का क्यू करते हैं और माइनस फाइव का स्क्वायर करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिक्स हमें जो है लाना, तो सिक्स दिया हुआ, तो सिक्स का भी हम क्यू कर देते हैं, माइनस सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 180 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 129 का 180 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा 131 यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से जो है वो अलग को चुनना है। तो दो अक्षरों के बीच यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है अंतर जो है वह समान दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह क्या हो जाएगा, एक सी वे सी एस सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ तो हो गया ये क्वेश्चन है हमारा 132 है। यहाँ पर जो कुछ अंक दिया हुआ है, अंकों के बीच आपको जो है बताना है क्या है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, जो 104 है, यहाँ पर जो है इसके अलावा इन सभी जो संख्याएं हैं जो इसके छोड़कर वो 9 से पूर्णतया जो है विभक्त है, 9 से विभाज्य है। इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 132 का वह हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर भी जो है कुछ ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 133 का वह क्या होगा, जो 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी 456, क्योंकि जो है वह अन्य सभी विकल्पों की जो संख्या में है उसमें प्रथम दो अंक के योग का आधा जो है वह तीसरा अंक है। दो अंकों को जोड़ने पर जो अंक, उसको आधा करने पर जो आ रहा है वो तीसरा अंक है, इसलिए यहाँ पर जो ये अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका मैट्रिक इंटरमीडिएट, तो स्नातक के बाद क्या होता है। तो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट के बाद स्नातक होता है, स्नातक के बाद उसका स्नातकोत्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है AK, फिर DQ, GV, फिर ZG। तो क्या होगा, तो ये जो है एक तरह की अक्षर श्रृंखला, यानी कि सब में प्लस थ्री करने पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका M और C। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 135 का बी जो है वह सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला इसी तरह का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी जो है वह ये श्रृंखला के तरफ में है, यानी कि जो है एस और क्यू के बीच में आता है आर, एक्स भी के बीच में आता है डब्ल्यू, तो आई और के बीच में क्या आता है, तो आता है आपका जे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है वह सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आपका 19, 29, 40, 44, इसके बाद का अंक पूछा जा रहा है। तो हम 19 जो है 19 में देख सकते हैं कि 19 में जो है वो हमारा जब 19 प्लस हम करेंगे 1 + 9 यहाँ पर ऐसे, तो क्या आएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 29। अब जो 29 है इसमें हम वैसे ही करेंगे 29 प्लस यहाँ पर 2 + 9, तो क्या आ जाएगा आपका 9, 2, 11, 11 और 29 यहाँ पे 40। उसी तरह 40 का करेंगे तो 44, और उसी तरह 44 का जब हम करेंगे 44 प्लस यहाँ पर 4 + 4 तो 4, 4, 8 और 8 और 44 हो जाएगा आपका 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ, कौन सा कथन जो है वह दिया गया है जिनमें आगे के दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं, मानना है कथन सत्य है चाहे असत्य है, यहाँ पर कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही से निकाला जा सकता है यदि कोई त्रुटि हो। यहाँ पर जाके हम क्वेश्चंस को देखते हैं, कथन आपका दिया हुआ है जो कुछ यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा निष्कर्ष सही है नहीं सही है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये कि निष्कर्ष 1 जो है वह सही है, पुरुष पापी है और संत यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कि पुरुष है, ठीक है। इसका जो है इस तरह का निष्कर्ष जो है होता है केवल जो यहाँ पर निष्कर्ष 1 है ये आपका जो है वह सत्य हो जाएगा, इस तरह का इसका जो है वह वेन डायग्राम बन जाएगा आपका, यहाँ पर ये बीच का हो जाएगा संत हो जाएगा या पुरुष हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पापी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यदि 27 फरवरी 2011 को रविवार था तो 1 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन आएगा। तो 27 फरवरी 2012 को अगर हमारा रविवार है तो फरवरी जो 2012 होगा हमारा क्या हो जाएगा, फरवरी जो 2012 होगा वो क्या होगा, रविवार प्लस 1 हो जाएगा, संडे प्लस 1 यानी कि हो जाएगा आपका मंडे सोमवार, और जो मंडे आएगा तो 1 मार्च जो 2012 होगा, 1 फरवरी होगी, 1 मार्च 2012 होगा, सोमवार प्लस हम 3 करेंगे, मंडे प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा आपका, बृहस्पतिवार आएगा, थर्सडे आ जाएगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि जो 1 मार्च 2012 को पूछा जा रहा है तो थर्सडे बृहस्पतिवार ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो शब्दकोश में आने वाले क्रमों के अनुसार है आपका, सबसे जो है वो फर्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कमसम है, एक्यूज है, एक्यूमिलेशन है, कंपनी है, तो एक कंपनी जो है आपका वो 4 नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 नंबर में ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, और जो 3 नंबर पर एक्यूमिलेशन आ जाएगा, उसके बाद मिलेगा हमारा एक्यूज, उसके बाद मिलेगा एक कस्टम, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, एक विशिष्ट कोड भाषा में जो है सर्टेन कोड ये इस टाइप का से लिखा जाता है, तो क्रिकेट को किस टाइप से लिखा जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सी के बाद आता है डी, ई के बाद आता है एफ और आर के बाद आता है एस और ए के बाद आता है आपका सॉरी टी के बाद आता है यहाँ पर ओफ टी के बाद यहाँ पर टी का टी दिया हुआ है और ए के बाद जो है वो बी दिया हुआ है और आई के बाद जे दिया हुआ है, एन के बाद ओ दिया हुआ है, तो इसी प्रकार हम जब क्रिकेट को करेंगे तो वो क्या आएगा, तो क्रिकेट को हम करेंगे तो उसी प्रकार आ जाएगा आपका डी एस जे, फिर सी का सी लिख देंगे और एल एफ यू, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से जो लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, जो लुप्त अंक यहाँ पर जो दिया हुआ है इसे आप लोगों को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो लुप्त अंक होगा वह क्या हो जाएगा आपका, तो इसे हम लोग जो है निकालते हैं, तो यहाँ पर जो है 7 का स्क्वायर × 2 करेंगे हम, जो 7 दिया हुआ है तो 7 का स्क्वायर जब हम करके प्लस सॉरी गुना में करते हैं 2 तो हमारा जो 98 आता है, और 5 का स्क्वायर करके गुना में करते हैं 3 तो यहाँ पर 75 आता है, तो उसी प्रकार हम 6 का स्क्वायर करके गुना में करेंगे 3 तो हमारा क्या आ जाएगा 108, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका इस चिन्ह का अर्थ जोड़ है, इसका अर्थ जो है वह भाग है, हैशटैग का अर्थ गुना है और यहाँ पर परसेंटेज का अर्थ घटाना है, तो इसका इसको जो है सोल्यूशन कीजिए आप, इसका क्या होगा, तो जब सोल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। एड्रेट के स्थान पर आपको क्या रखना है, भागा का चिन्ह रखना है और उसके बाद हमारा 12 है और हैशटैग के स्थान पर गुना रखना है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर जो है इस चिन्ह इस चिन्ह के ऊपर आपसे जो प्लस रखना है, फिर 24 है, फिर जो है माइनस आपका 35 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 10, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर कमवा रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर
एम आर पी हो जाएगा, ठीक है, एम आर पी, फिर पी के बाद हो जाएगा एम यहाँ पर, तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर एम आर पी आर एम पी, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक कपास गलत दिशा बता रहा है, पश्चिम की जगह दक्षिण पश्चिम बता रहा है, या कपास उत्तर के लिए कौन सी दिशा बताएगा, तो उत्तर के लिए जो बता देगा आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 145 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कितना सारा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, फिर अगर हम सही जो है शब्द को पहचाने, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मूव के लिए समूह को पहचानना है, मूव के लिए यहाँ पर कौन सा जो है वो समूह का आपका यूज़ किया जाएगा। 146 हमारे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मूव के लिए जो हम पूरा इस क्वेश्चन को देखें तो ये आधा इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके कुछ दिए हुए हैं, तो मूव के लिए जो हम शब्द यहाँ पर यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे एम ओ वी ई फाइन मूव है, यहाँ पर इसके लिए हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे 8888, यहाँ पे 65, ओ के लिए, वी के लिए यूज़ करेंगे हम 20, और ई के लिए यूज़ करेंगे 24। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देख सकते हैं, 8865 20 24, ऑप्शन नंबर सी, 146 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि नेहा जो अपने पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि जो नेहा है वो क्या है, अपने जो पिता है उनके, उसकी जो है वह इकलौती क्या पुत्री है, ठीक है। उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि उसके पिता जो है प्रणव के भाई के ससुर है, यानी कि क्या प्रणव जो है, प्रणव उसका भाई, उसका हुआ भाई, और उसके भाई के जो है वह ससुर है उसके पिता है। तो पूछा जा रहा है कि राजीव जो है नेहा से कैसे संबंधित है, तो राजीव जो है वह क्या है, प्रणव का क्या है, यहाँ पर दिया हुआ प्रणव का, राजीव जो है प्रणव जो है राजीव का भतीजा, क्या है, भतीजा है। तो यहाँ पर राजीव जो है वह नेहा से कैसे संबंधित होगा, तो जो राजीव है वह नेहा से जो है ऐसे संबंधित होगा कि जो राजीव हो जाएगा वह नेहा का क्या हो जाएगा, वह ससुर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपका ए, यहाँ पर ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक दर्पण को एम एन रखा जाए और दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब ऐसे जो है पिक्चर एक बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका जो है, यहाँ पर हम एक दर्पण रखते जाएंगे तो इसका जो है सही उत्तर प्रतिबिंब जो है वह क्या बनेगा, तो इसको ऑप्शंस को जो हम देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका कुछ इस टाइप का दिया हुआ, तो कौन सा जो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, तो हमारा जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि बिंदु जो है बाहर है, ठीक है, 148 का हो जाएगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह आर एक्स शून्य जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निर्भर बताता है, क्रिकेट, फुटबॉलर और भारतीय, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, और इसका जो राइट डायग्राम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, फिर हो जाएगा ऐसे, फिर हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा आपका क्रिकेट, ये हो जाएगा फुटबॉलर, और ये हो जाएगा भारतीय। ओके फाइन, यहाँ पर जो 149 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा रीजनिंग का, आपका कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार कागज़ को मोड़कर छेदने और खोलने के बाद वह कैसा दिखाई देगा, इसको बताया गया है, क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है ऐसे हम कागज़ लेंगे, उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर उसको ऐसे कट करेंगे, तो जो हमारा पिक्चर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इस जैसा। तो यहाँ पर हमने आपके रीजनिंग का जो है कुल 20 क्वेश्चंस को किए हैं। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर जो रीजनिंग को अच्छी तरह से आपको समझा कर बताया जा रहा है, तो इसके लिए आप हमारे जो है वो टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लें, और जो है हमारे चैनल के साथ हमेशा अपडेटेड रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।